हम। छम 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 बहुत बढ़िया। तो सभी को नमस्कार। और हमारे पांडे कुटुंब परिवार में, पांडे परिवार में भागवत का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन आज हमने भागवत के आयोजन के बीच में एक छोटा सा प्रोग्राम अपने आंगन में, अपनी बाकी में ठहराया है। और ये है एक्चुअली मैंने स्पेशली करवाया है, वैसे तो प्रोग्राम यहाँ पे होते रहते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के ग्रो होने की खुशी में और YouTube चैनल से इनकम आने की खुशी में मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक गेट टुगेदर करवाया है, क्योंकि ये सब लोग मिल नहीं पाते तो सब लोगों का मुंह मीठा। तो इसमें भजन कीर्तन वगैरह हो रहे हैं महिलाओं द्वारा, हमारे परिवार की महिलाओं द्वारा। तो सब लोग देखिए, हमारे बहनें भी आई हैं, हमारी चाची ताई हैं, सब लोग आए हुए हैं, हमारे मित्रगण सब लोग आए हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो इसका जो आयोजन है, लोगों को इकट्ठा करके एक जो खुशी मिलती है हमारे परिवार में, लोगों इकट्ठा होते हैं, उसका आयोजन सिर्फ वो है। बाकी खाया पिया तो किसी ने कितना खाया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां खाते हैं लोग, सब भूल जाते हैं, लेकिन एक यादगार आयोजन ये होता है। तो महिलाओं द्वारा गीत के मंगल गीत जो गाए जाते हैं, वो किसी भी शुभ काम में वो सब गाए जा रहे हैं। बस एक छोटा सा आयोजन है, गेट टुगेदर हमारे पांडे परिवार का, जितने भी हमारे कुटुंबजन हैं उन लोगों का। तो सभी लोग आए हैं, हमारी बहनें भी आई हैं, हमारी बुआ लोग भी आई हैं, तो उनसे आपका जरूर परिचय मैं करवाऊंगा। ये शगुन होता है। तो भाई बिरादर से लेकर के मित्रजन में सभी आ गए, बुआएं भी आ गई, बहनें भी आ गई, दामाद और जीजा जी लोग भी आ गए और फूफा जी लोग भी आ गए। तो सब लोग आए हुए हैं, लगभग मैक्सिमम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो लोग एक विशिष्ट मेहमान आए हैं, उनसे आपका एक बार बात करवाते हैं। विशिष्ट मेहमान है। हाँ जी, प्रणाम सर, कैसे हैं? सकुशल पहुँचे? तो आज कैसा लग रहा है गाँव में आकर के? आश्चर्यजनक लग रहा है। उम्मीद नहीं थी ऐसा आयोजन हो जाएगा। नहीं, उम्मीद थी। अच्छा, उम्मीद से ज्यादा हो गया। दुनिया कायम रहे, फिर भी उम्मीद से ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया उम्मीद से। तो और स्वास्थ्य वगैरह? एक्टिविटी जो है लोगों की आजकल उत्साहजनक है। उत्साहजनक है, बढ़िया हुआ, इसलिए बढ़िया हो गया। और सब लोग पिछली बार के मुकाबले ज्यादा आए हैं, ज्यादा है। बाकी हम लोग अपने कुछ उन लोगों को मिस करेंगे जो लोग नहीं रहे, उन लोगों को हम मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ताऊजी की कमी खल रही है। बिल्कुल, डायमंड अंकल की उनकी कमी खल रही है। अगर वो होते कार्यक्रम में, बिल्कुल वो होते तो अलग ही रौनक होती है। नहीं, ये बात रौनक में यही कमी है। तो बाकी क्या कहेंगे सर, परिवार लोग सब लोग इकट्ठा है, बहुत सब इकट्ठा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। गाँव में इस तरह के कार्यक्रम और फंक्शन ये होते रहने चाहिए, होते रहने चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए।
बाकी चले जाते हैं, उसके बाद फिर कहीं संपर्क किसी से ज्यादा हो नहीं पाता है, है ना। तो इसी बहाने तो चलिए हाँ एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। जो भी लोग हमारे बाहर जा रहे हैं उनको अपने रेजिडेंस जितने भी जिसके भी रेजिडेंस है उनको रिपेयर करना चाहिए, यहाँ पर करना चाहिए। हमारी ये आस्था है, हमारे पूर्वजों की और हमारी पहचान, हमारे यहाँ की जो पैतृक संपदा है, ये पैतृक संपदा है उसी से है। बिल्कुल, बाकी नथिंग है, कुछ नहीं। ये चीजें हमें कभी मिलेंगी नहीं करोड़ों रुपए देकर के भी। ये चीजें बहुत अच्छी बात कही आपने सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोल। तो ये हमारी है तीर की बाखली, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सब लोग आ रहे हैं, छोटा सा आयोजन है तो आप लोग बने रहिएगा। उसके बाद ये देखो स्वांग है, इसे स्वांग कहा जाता है, ये किसी भी शुभ कार्य में होते हैं, ये स्वांग है। ये हमारी बुआ जी है। हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो ये यो स्वांग आपने रचा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये स्वांग का मतलब है ऐसा, हमारे यहाँ ये हमारा कल्चर है, कल्चर है हमारा उत्तराखंड का कल्चर। कोई भी शुभ कार्य में इस तरह से भेष बदल के आप लोग, क्या हमारा माइक है। तो क्या प्रोग्राम है दिखाने का स्वांग में, क्या प्रोग्राम है दिखाने का? हम यही डांस करके गाना गाते हैं, पंडित बनते हैं, पंडित बनते हैं। चलिए देखते हैं। और जो है क्या करते हैं, संस्कृति को उजागर करते हैं, अपने संस्कृति को उजागर करते हैं। और जो है यहाँ हमारा माइक है, आपका माइक है, नरेंद्रपुर है, ठीक है हाँ। और हमारा घर है दौलाघट, दौलाघट है। ये देखिए स्वांग है, इसको कभी किसी भी शुभ कार्यों में किया जाता है महिलाओं द्वारा, पुरुषों के भेष धारण करके डांस होता है, ठांसी टिटोली होती है। चलिए थैंक यू। ये देखिए मैक्सिमम जनता जुड़ चुकी है और ज्यादा से देखिए कितनी, ये हमारा कुटुंब देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है, क्या बात है। 2-3 हज़ार खर्च करे, 20-30 हज़ार बनाओ, 2-3 हज़ार खर्च करे, 20-30 हज़ार। हाँ 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 हाँ। कहाँ से आए हैं आप? पिथौरागढ़ से। कितने टाइम बाद आना हो रहा गाँव यहाँ? 20 साल बाद। अच्छा, क्या है आपका यहाँ मायका है? अच्छा, 20 साल बाद गाँव में आए हैं। तो कुछ बदलाव लगा आपको गांव? बहुत कुछ बदल गया। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत बढ़िया। इतने साल बाद आके आपके लोगों से मिलना, अपने लोगों को एक साथ देखना, बहुत आनंद आ गया। आनंद आ गया। अच्छा, तो इतना समय क्यों लगा, क्यों नहीं आ पाते आप लोग? मौका ही नहीं मिल पाया। अच्छा, मौका नहीं मिल पाया। चलिए। हाँ जी, क्या हाल है? आप कहाँ से आए हैं? रामनगर से। तो आज कितने समय बाद आना हो रहा है? दूसरी बार आए हैं। दूसरी, पहले कब आए थे? बस 2-3 साल पहले ही आए थे। अच्छा, कैसा लग रहा है इतने सब लोग इकट्ठा हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका गांव भी होगा पहाड़ में ही है, तो जाते रहते हैं वहाँ पे आप? अच्छा, चलिए थैंक यू। अच्छा, एक मेहमान और आए हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? रामनगर। आप भी रामनगर से आए हैं? यहाँ मेरा ननिहाल है। ननिहाल है, कैसा लग रहा है ननिहाल? बहुत बढ़िया, शानदार। कितने समय पहले आए थे आप? 4-5 साल हुए। 4-5 साल ही हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो आज इतने कुटुंबजन इकट्ठा हुए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है, इतने लोगों से मुलाकात, तो यहाँ बहुत लंबे टाइम बाद। इसी बहाने? हाँ, इसी बहाने। जब पिछली बार भी आया था तो बहुत कम लोग थे, 2-4 ही लोग थे उस समय, तो यहाँ 4-5 लोग। हाँ, उस दिन 4-5 ही लोग थे। तो सर आपका कहाँ है गांव? देना। देना कहाँ हुआ है? रानी खेत से आगे मछखाली। अच्छा, मछखाली। तो वहाँ पर क्या स्थिति है इस वक्त गांव में? गांव में वहाँ भी लोग कितने हैं? सभी जगह लगभग मेरे हिसाब से यही स्थिति है कि लोग काफी पलायन कर गए। पलायन कर गए। अभी गए थे वहाँ पहाड़ भी, हम अपने वहाँ भी गए थे। जी जी, अभी करीब 10-15 दिन पहले। तो आप लोग कब जाते रहे, कितने टाइम में जाते रहते हैं? लगभग साल भर में एक चक्कर तो जाते। साल भर में जाते हैं। मकान वगैरह ठीक है? अभी कुछ साल पहले ही मैं ठीक किया है। चलिए चलिए, ठीक ठीक, ये अच्छी बात है। शुभ काम में वगैरह ना। चलिए थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग।
तो अभी थोड़ा ब्रेक है, इसके बाद गीत संगीत का कार्यक्रम शुरू होगा। अभी सब लोग ठंडा वगैरह पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और मुंह मीठा सबका करवा दिया गया है। तो इस तरह से हमारे बाखरी बाज प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। और कभी कभी ऐसे आयोजन हो पाते हैं इसी बहाने, और ये वैसे ही हमारे परिवार की परंपरा है। वैसे आज तो चलो भागवत है, सब लोग इकट्ठे हैं, कभी कभी हम लोग चाहे मात की बाखली में हो चाहे तीर की बाखली में हो, हम लोग इस तरह के आयोजन चाय पार्टी इस तरह से आलू पार्टी कराते रहते हैं। तो ये चीज़ है। बहुत बढ़िया। छम 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 बहुत बढ़िया।
टू बट हाँ आयुष्मान भाव कहाँ से आए सर? मैं बागेश्वर से हूँ, मूल रूप से यहीं का रहने वाला हूँ। श्री गोविंदोल्लभ पांडे जी का लड़का हूँ मैं, और यहाँ मैं सेवानिवृत्त प्रवक्ता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बुहाला से रिटायर हुआ हूँ, और इतिहास में था मैं। ऐसा है कि हमारा पैतृक गांव है, पैतृक गांव में 2013 सन में यहाँ प्रथम भागवत हुआ था। उसके बाद फिर सारे हमारे परिवार के बंधु बांधव जितने भी हैं उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई पहली बार हो गया है, एक बार और हो जाए तो दो बार यहाँ पर, ये दूसरी बार ये श्रीमद भगवत पुराण का ये कथा महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें हमारे सात भाई, एक भाई के लड़के हम यह सात परिवार रहते हैं, एक भाई के लड़के इधर पांच परिवार उनके हैं, तो हम ये सात पास से बारह परिवार यहाँ पर इस समय वर्तमान में यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। और बड़ा अच्छा ये इसमें ये लग रहा है कि हमारे सारे भाई लोग, बहनें, दामाद, मित्र और जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं वो लोग इकट्ठे होकर गांव में आए हुए हैं, और इससे हमारे गांव का जो माहौल है बड़ा अच्छा सामाजिक यहाँ पर परिवेश हो रहा है इस समय। इसी बहाने जिन लोगों से हम कभी मिले नहीं, आज से पहले बहुत लंबे समय से मुलाकात नहीं हो पाई, वो एक एक व्यक्ति से हम जाके पूछ रहे हैं कि आप कौन है, क्या है, उससे हमारा संपर्क भी बढ़ा है, और क्या उन लोगों का भी हमसे संपर्क आ रहा है। तो पैतृक घर में आप कब कब आ पाते हैं? पैतृक घर में ऐसा था कि मैं वो क्या हमारे माता पिताजी यहाँ पर, मेरे माता पिताजी को अध्यापक थे, तो यहाँ गाँव में तो वो भी नहीं रहे हमारे माता पिताजी, तो वो कभी कभी जब छुट्टियां होती थी, शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, तो उनकी छुट्टियां जब कभी होती थी तभी यहाँ आया करते थे, साल में एक दो बार। तो ऐसे हम भी नौकरी करते थे, नौकरी करने पर हम भी नहीं आ पाए, तो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जब मैं रिटायरमेंट हुआ तो पैतृक मकान मेरा टूट गया था, बिल्कुल ऐसा खंडहर हो गया था, वो पैतृक मकान मेरा खंडहर हो गया था, तो उसको मैंने रख रखाव करके उसको सारा रिपेयर किया, और 2021 सन में मैंने वो मकान अभी अपना बना रखा है, रहने लायक व्यवस्था वहां कर रखी है। तो गांव से लगाव इसलिए है कि गांव का भी बड़ा अच्छा परिवेश हमारा गांव का है, देख रहे हैं आप यहां से ठंडी हवा, जो तापमान हल्द्वानी में 39 डिग्री चल रहा है, हमारे वहां 25-26 डिग्री में यहां काम चल जा रहा है, तो इसलिए सभी लोग जो दिल्ली से आए हैं या कहीं और जगह से आए हैं सब खुश है यहां पर। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, ऐसा है जो भी गलतियां मेरे बोलने में हुई हो। तो हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बुआएं यहां पे आई हुई हैं, एक अभी आई है। तो ये आज कितने समय बाद अपने मायके में इकट्ठा हुई हैं, इनसे अलग अलग पूछते हैं। हाँ जी नमस्कार, कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ दिल्ली से। जी वैसे मैं पीलीभीत वाली हूँ, दिल्ली से आई हूँ और मैं 17 साल बाद आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। कैसा लग रहा है इतने साल बाद यहाँ आकर के? कह तो रही हूँ ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गई और मेरे भाइयों ने सबने मिलके इस गांव को चमन बना दिया। बहुत क्या बात है। हाँ जी कैसा लग रहा है? खूब तरक्की करे मेरे भतीजे, खूब तरक्की, बहुत बहुत लग रहा है। हम 22 महीने हैं, 21 भाई हैं और 50-60 तक हमारे परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हमारे भाइयों के, हम बहुत खुश हैं, मस्त हैं, दीवाने हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है इतने लोग। हाँ जी नमस्कार, हम रामनगर से आए हैं। अच्छा तो कितने समय बाद आते हैं अपने मायके यहाँ? 2 साल में आज। अच्छा जल्दी आए थे मतलब? अच्छा तो आते रहते हैं? हाँ, कभी कभी आते। तो आज इतने कुटुंब इकट्ठा हुआ है, सब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आयोजन साल भर में हो जाने चाहिए, साल में नहीं तो 2 साल में होने चाहिए। हाँ जी मैं तो अलमाड़ बोल रही हूँ। अच्छा मैं बस राम जी चेल भाई मदन मोहन को नहीं, मैं दादू दादी चाल छे। अच्छा डिगी भाई है डिगी। अच्छा अच्छा हाँ मैंने नानी नरी है। हाँ हाँ लोग कर रहे हैं, मैं चाबाल करो दे इनर, मैं दावत पाएं,
मिठाई मंगे पूजा कर आशीर्वाद दी जाओ नंदा का। अच्छा लगा, देखिए भावुक हो गई। बोले नाथ की भाई मैं जोकरिंग भाई वो चाह पान भाव आप भी खुश सब लोग इकट्ठे इसी बहाने नहीं ना अम्बू भाई ना इस बोजू भाई अब हमको खुशी है नंदी ना घर पर ही हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ जी नमस्कार, बहुत आशीर्वाद। कहाँ से आए हैं? मैं बरेल बेटी आ रही। बरेल बेटी, अच्छा तो कदू दिन में रचा है आज? मैं 17 साल में। 17 साल में मंदिर बाढ़ी अच्छा 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 36 साल मंदिर में 36 ना नहीं ये तो ये बताइए ना कैसा लग रहा है इतने लंबे समय बाद आज गांव में आके अपने मायके में आके अपने मायके के घर में रहे कभी आप? यहाँ ऊपर अच्छा पर रहे और पहले जब हम छोटे छोटे थे जब पीलीभीत से आते थे मैं पढ़ते थे तब आते थे मैं गर्मी की छुट्टियों में रहते थे ये एक बार जंगल में छोड़ आई थी हमें मुझे घर तक लाई रोते रोते सच्ची अरे वाह क्या बात है दिलचस्प किस्से हैं और नए नए रिश्तों से मुलाकात हुई नए रिश्तों से मुलाकात अच्छा लग रहा है। हाँ जी आप कहाँ से आए हैं? सिमाइल कहाँ? बेरीनाग के पास। तो कितने समय में आना होता है? 2 साल में आए। 2 साल में आए हैं तो कैसा लग रहा है इतने लोग इकट्ठे हैं? स्वर्ग के समान। उन लोगों को मिस कर रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है? बहुत ही ज्यादा, मतलब उनकी आशीर्वाद, उनकी याद आ रही है। मेरे दादा, मेरे भाइयों, मेरे पूरे परिवार पर उनकी आशीर्वाद, उनकी छाए रहे। जी चलिए अच्छा लगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पिछले आयोजन के बाद इस दुनिया में नहीं है तो उनको सब लोग याद करके भावुक हो रहे हैं। हाँ जी हाँ तीन बखई है भागवत हरो जगह चलिए। हाँ जी तुम कहाँ मेरा अच्छा नीरे कहाँ हुआ? रनमन के पास पड़ता है। आपका ही मायका ही है तो कब कब आते रहते हैं? आती रहती हूँ मैं 2-4 महीने में 6 महीने। अच्छा आ जाते हैं तो अच्छा लग रहा है आज तो लोग इकट्ठे हैं? अच्छा लग रहा है भाई बहन आए हैं हाँ जो बहनें आपकी नहीं है इस दुनिया में जो भाई नहीं है जो चाची ताई है नहीं हाँ तो पिछले भागवत में सब लोग वो थे सब लोग थे आज 10 साल के अंतराल में उनमें से 4-5 लोग इस दुनिया में नहीं है। हाँ चलिए ठीक है धन्यवाद ओके। तो ये थी हमारी बुआएं फिलहाल एक बुआ ऊपर है अभी उनसे मुलाकात अभी करवाऊंगा वो थोड़ा उनको काम था वो चले गई थी तो सब लोग आए। दो बुआ हैं दो कौन है? ये तो है नीता बुआ ये बैठी हैं हाँ तो हाँ 22 बुआ 21 भाई मुझे मालूम है सब लोग 22 बुआ 21 भाई एक से नहीं है 7-8 दादाजी के हैं ये तो ऐसे मत समझना आप लोग कि उस एक ही ये 22 हैं तो अलग हमारा बहुत बड़ा कुटुंब है। तो प्रोग्राम फिलहाल ख़त्म हो चुका है और हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? मजा आ रही है कैसा लग रहा है इतने दिन बाद आज इतने लोग इकट्ठा हैं? अच्छा लग रहा है अच्छा। बहुत कम होता है ऐसा कि सब लोग आए हों आज से पहले लगभग कभी कभार शादी में आते हैं कुछ तो पर सब नहीं आ पाते इतने नहीं आ पाते इतने नहीं आ पाते जैसे हम कल गिने थे शाम करीब 110 हमारे परिवार के लोग हैं 110 हमारे परिवार के लोग हैं ओ माय गॉड आपने करी काउंटिंग? कल करी काउंटिंग छोटे छोटे बच्चे छोड़ रखे हैं अभी वो आधे बच्चे 54-58 छोड़ रखे हैं वो छोड़ रखे 110 लोग हमारे परिवार के वयस्क में है ये देखिए मतलब ये मतलब जो छोटे पप्पू दा के बच्चे हो गए वो सब हैं उनको काउंट किया है पर जो छोटे बच्चे हैं जो गोद में खेल रहे हैं उनको काउंट नहीं किया। चलिए बहुत बढ़िया यार ये तो इससे पहले कहीं जब 2014 में भागवत हुआ था तब भी साइड से इतने नहीं होंगे तब भी साइड से इतने नहीं आए थे पर इस बार भागवत में आए हैं लोग। चलिए अच्छा अच्छा लग रहा है लोगों को आना भी चाहिए आना भी चाहिए। चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ जी कहाँ से आई हैं? हल्द्वानी से। अच्छा क्या करती हैं? बीएससी कर रही हैं। यहाँ आपका क्या है? ननिहाल है। तो इससे पहले कब आए थे गाँव में? यहाँ गाँव में पहली बार आ रहे हैं तो अब बता दीजिए ईमानदारी से हमारा गांव कैसा लगा आपको? क्या बात है। हल्द्वानी में कितना था टेम्परेचर जब आप निकले थे? 35+ रहा होगा टेम्परेचर पर गर्मी तो ऐसे जा रही थी 40 ऊपर 40 होना चाहिए। तो यहाँ देखो ठंडी ठंडी हवा शुद्ध हवाएं है ना
सारे पेड़ देख के मेरे को बहुत अच्छा अच्छा लगा। तो ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि लोगों से मिलने का मौका मिलता रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके।